राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है। दोनों के बीच आई दूरियां घटती दिख रही हैं और इसका खुलासा तब हुआ जब बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को लेकर ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया। इसके जवाब में पहले सचिन पायलट ने फैक्ट से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अमित मालवीय, आपके तथ्य और तारीखें गलत हैं। वो सचिन पायलट के पिता पर बीजेपी नेता की पोस्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस नेता राजेश पायलट का अपमान करके भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। अशोक गहलोत ने लिखा, कांग्रेस नेता राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के वीर पायलट थे। उनका अपमान करके बीजेपी भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। इसकी पूरे देश को निंदा करनी चाहिए। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दरअसल मंगलवार को एक पोस्ट में दावा किया कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिनमें 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बमबारी की गई। दिवंगत राजेश पायलट कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पिता हैं। सचिन पायलट ने मालवीय के दावे पर पलटवार करते हुए ही रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि आपके पास गलत तारीखें, गलत तथ्य हैं। हाँ, भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में मेरे दिवंगत पिता ने बम गिराए थे, लेकिन वो 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर, न कि जैसा कि आप दावा कर रहे हैं 5 मार्च 1966 को मिजोरम पर। कांग्रेस के दोनों दिग्गजों पायलट और गहलोत के बीच संबंध 2019 से ही अच्छे नहीं रहे। कई मौके आए जब पायलट ने राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। गहलोत सरकार के खिलाफ उनकी बगावत के बाद से कई मौकों पर दोनों ने एक दूसरे पर हमला भी बोला। हालांकि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए पार्टी आलाकमान ने कदम उठाया है। इस बीच चुनाव से पहले गहलोत का पायलट को समर्थन देने का कदम राजस्थान में कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।